मीडिया से खताब करते हुए बीजेपी के कद्दावर नेता कृष्णनंदन मुखर्जी ने आज कहा कि गोली चलाया गया है और कालीचरण दास हम लोग का कार्यकर्ता वेरी हैवीली इंजर्ड है, मिशन हॉस्पिटल में एडमिट है, अभी हम लोग उसको एडमिट करके हम आ रहे हैं। बाकी दिलीप दे हम लोग का जनरल सेक्रेटरी वहाँ स्पॉट में थे, वो आपको और विस्तार से बताना पड़ेगा। दादा बोलूँ, दादा इस तरीके से जो TMC का बार बार अत्याचार देखा जा रहा है बीजेपी समर्थकों के ऊपर में, ये क्या आने वाला चुनाव है क्या इसी तरीके? देखिए हम लोग ये जो संतरास है ना, हम लोग इस पर विश्वास नहीं करते, हम लोग गणतंत्र डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में डेमोक्रेसी को रखने ही नहीं दे रहा कोई अपोजिशन, कोई कार्यकर्ता, कोई अपोजिशन पार्टी, कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम करेगा ही नहीं। खाली तृणमूल कांग्रेस करेगा और कोई पॉलिटिकल पार्टी प्रोग्राम नहीं करेगा। प्रोग्राम करेगा तो उसमें हमला होगा, बम चलेगा, गोली चलेगा। तो ये इतना ही बोल रहे हैं, जहाँ तक वहाँ तक ही कीजिए, जहाँ तक आप लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। इसका क्या दादा निर्वाचन का प्रभाव पड़े? निर्वाचन में प्रभाव पड़ा, पूरा आसनसोल देख रहा, जिला देख रहा, राज्य देख रहा, ये सारा सब देख रहा आदमी। इसका प्रभाव तो निर्वाचन में आएगा, निर्वाचन में सरकार जाएगा, ये खाली दिन का गिनती बाकी है, उल्टा गिनती चालू होगी। हम कृष्णनंदन मुखर्जी, राज्य कुमारी। आज AMC में एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड के चेयरमैन जितेंद्र कुमार तिवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে পৌর নিগমের তরফ থেকে আমাদের যা সাপোর্ট দেওয়া ওই ঠিকভাবে ইমপ্লিমেন্ট হয় তার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছি, আমাদের সমস্ত আধিকারিকরা চেষ্টা করছেন। এবং ইতিমধ্যে আসানসোল পৌর নিগম এলাকায় প্রায় 26 জায়গায় ক্যাম্প করা হয়েছে, সে ক্যাম্পের মাধ্যমে বিভিন্ন মানুষকে বিভিন্ন পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। এবং এই কর্মসূচিতে সরকারের অন্তত 11টা স্কিম আছে, কোর স্কিম, যেগুলোর বিষয়ে মানুষকে ডাইরেক্টলি ওখানে পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে, তাদেরকে তার ফর্ম দেওয়া হচ্ছে, ফর্ম জমা নেওয়া হচ্ছে। এবং এছাড়াও যেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে যে কোনো অন্য কোনো সমস্যা থাকলেও, যে কোনো সমস্যা সেটা নিয়ে মানুষ একটা দরখাস্ত ওইখানে দিতে পারে যে আমার এই সমস্যা আছে, ওটা সরকারি স্কিমে কভারেজ থাক বা না থাক সরকার নিশ্চয়ই পরে সেগুলো বসে দেখবে যে সেগুলো তো সরকার কিছু করতে পারে কিনা। মেজর যেটা অ্যাটেনশন দেওয়া হয়েছে স্বাস্থ্য সাথীর উপর দেওয়া হয়েছে, এবং রাজ্য সরকার যেটা চাইছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেটা চাইছেন যে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত বাড়িতে একটা স্বাস্থ্য সাথী কার্ড থাকে, এবং যিনি মহিলা বাড়ির গৃহিণী তার নামে এটা হলে ভালো হয়, যাতে ওনার হাজবেন্ড, ছেলে মেয়ে, শ্বশুর শাশুড়ি এই কভারেজ তো পাবেনই, তার সঙ্গে সঙ্গে ওনার মা বাবা যিনি আছেন, যারা ওনার বাপের বাড়িতে আছে, তারাও এই কভারেজে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এটা ইউনিক জিনিস, এটা অন্য ভারতবর্ষে অন্য কোথাও নেই যে বিয়ে হয়ে চলে আসার পরেও মেয়েদের একটা চিন্তা থাকে যে আমার মা বাবাকে কে দেখছে, তারা কি অবস্থায় আছে। তাদের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভেবেছেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ভেবেছেন, তাই এই সিস্টেম রাখা হয়েছে এই স্কিমে। অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে একই পরিবারে দুজন তিনজন লাইনে দাঁড়িয়ে আছে, এটা আমরা আপনাদের মাধ্যমে জনগণকে অনুরোধ করবো যে একটা পরিবারের পেছনে একটাই কার্ড তৈরি হবে এবং সেটার মধ্যে সবার নাম চলে আসে, প্লিজ দুজন তিনজন যাবেন না। দুজন বরাকা শিফা মেডিকেল কে তরফ সে এক ENT ফ্রি চেকআপ কিয়া যা রহা হ্যায়। कोरोना वॉरियर के मद्देनज़र रखते हुए ये फ्री ENT चेकअप कराया गया है, जिनको भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है। और 8 तारीख 5 बजे हमारे बराकर स्टेशन रोड शिफा मेडिकल के द्वारा एक फ्री ENT चेकअप किया जा रहा है। आप लोग से अनुरोध है कि मेरा ये नंबर है 9732142705, इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना रजिस्ट्रेशन ये नंबर पे करा के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें लाभ हासिल करें। हम लोगों को कांग्रेस पार्टी में हरीश मुखर्जी ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। उन्होंने कांग्रेस तृणमूल छोड़ने का उनका मेन मकसद ये था कि पिछले 10 साल होने वाला है तृणमूल कांग्रेस का, उन 10 सालों में तृणमूल कांग्रेस सिर्फ लोगों को वादा किया है और लोगों को नफरत कभी जो बीजेपी हो रही है पूरे देश में बिल्कुल सेम पॉलिसी, बल्कि उस जेरस कॉपी की तरह बंगाल में भी धर्म और जाति के नाम पर एक दूसरे को बंटवारा का कोशिश चल रहा है। लेकिन बार बार दीदी बोलती है कि हम 99% काम कर चुके हैं बंगाल में,
बहुत सारे काम हुआ है, इसके हम विरोध भी नहीं करना चाहते, काम हुई है, लेकिन असल काम है जो आम लोगों को जोड़कर दिलों के अंदर में जो नफरत भरा हुआ है उसको कम से कम पश्चिम बंगाल में बीजेपी का हवा देकर लोगों के अंदर में नफरत जो पैदा किया जा रहा है, इससे कम से कम पश्चिम बंगाल धरती को कम से कम बचाना चाहिए। ये जिम्मेदारी तमाम हम बंगालियों का है, हम से मतलब सिर्फ बंगाल में रहने वाला वो तमाम धर्म जाति के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम लोग, सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद हम पहले मगरी बंगाल के लोग हैं। लेकिन आज जो कल्चर बंगाल में दीदी पैदा कर चुकी है, एक तरफ मुसलमान को वोट लेने के लिए, मुसलमानों को अपने हाथ में रखने के लिए तरह तरह का झूठी वादा करती है, दूसरी तरफ बीजेपी हिंदू समाज को भड़का कर वो हिंदू वोट को अपने बर्बाद में रखा है। ये दो किस्म का रणनीति चल रहा है। ये हिंदुस्तान के साथ साथ मगरी बंगाल की सरजमीन में हमारे लिए जिस धरती के अंदर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा लीडर, जैसा लीडर पैदा हुआ, जिस धरती में काजी नजरुल इस्लाम जैसा कभी पैदा हुआ, जिस धरती से हिंदुस्तान की आवाज़ हमेशा लड़ाई की आवाज़, आज़ादी की आवाज़ इस धरती से पैदा किया, आज इस धरती के अंदर में नफरत के बीच बोया जा रहा है। इसके लिए कम से कम दीदी के पार्टी को, दीदी से जो चीफ मिनिस्टर है, पूरे बंगाल के चीफ मिनिस्टर है, किसी एक पार्टी के चीफ मिनिस्टर नहीं है, दीदी से मेरा रिक्वेस्ट है कम से कम इस बंगाल को बचाइए, इस बंगाल की धरती को बचाइए। जय हिंद बंदे मातरम। ममता बनर्जी का सरकार का तरफ से 5 लाख रुपया का आप लोग का फैमिली का इंश्योरेंस हो जाएगा, अगर किसी भी मैंने आपका किसी भी तरह का, अल्लाह ना करे हम लोग कभी चाहेंगे, कोई नहीं चाहेगा कि कभी हमको मेडिकल का जरूरत पड़े, लेकिन अगर इस तरह का अगर कोई जरूरत पड़ता है और अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाकर के ट्रीटमेंट कराइएगा, तो जो 5 लाख का इंश्योरेंस है दीदी की तरफ से जो दिया जा रहा है, इंश्योरेंस से आपको क्लेम करेंगे कि आपको पैसा पे नहीं करने पड़ेगा, हॉस्पिटल में ममता बनर्जी सरकार का पैसा, ये स्वास्थ्य साथी कार्ड का पैसा वहाँ पे हो जाएगा। तो ये वाला लाभ आपको, मैंने हम लोग को ममता बनर्जी की तरफ से आदेश हुआ है हम लोग को कि हर घर में जाकर, हर परिवार का घर में जाकर ये वाला विकल्प जो है सबका दरवाजा पे जाकर सबको एक एक करके, कोई भी ऐसा फैमिली ना बचे जिसको ये वाला विकल्प ना मिले। तो ये वाला स्कीम को पहुँचाने के लिए हम लोग आज सब पूरा आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक 2 तृणमूल यूथ कांग्रेस का पूरा टीम वार्ड नंबर 26 में आज हम लोग काम कर रहे हैं।